बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सर आज के स्टूडियो लॉन्च खोल रहे आज ओपनिंग सेरेमनी है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नए नए लोग नए नए चीज़ें करते रहते हैं, पर इन्होंने एक इतना संस्कार के साथ जुड़ के चीज़ें किया है कि संगीत को सिर्फ गाने के लिए नहीं सोचा है, रिकॉर्ड करना, दूसरे को रिकॉर्ड कराना और इस प्रथा, इस परंपरा को आगे बढ़ने के लिए उसको प्रिजर्व करना, उसको संभाल के रखना। तो ये जो एक विचार इन बच्चों के मन में आया है और ये स्टूडियो खोला है, ये एक ऐसा नहीं है कि सेल्फिशली मैं ही गाता रहूँ, मेरा भी नाम हो, साथ में 10 लोग गाएं और 10 चीज़ों का रिकॉर्डिंग हो, 10 लोग अपना एक के साथ 10 लोग आगे बढ़े। तो ये जो मिलाने की कोशिश है, पूरे वर्ल्ड इस समय वही कर रहा है और कोरोना भी अभी सिखा के गया है कि मिल के रहो नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी, और संगीत एक ऐसा जरिया है जिसमें हम मिल के रह सकते हैं और एक अच्छा सुंदर पृथ्वी बना सकता है। उसका एक शुरुआत इन बच्चों ने किया है कि चलो संगीत से हम जुड़े। हम जब बिछड़ गए थे कोरोना के लिए, फिर हम मिले तो स्टूडियो में मिले और संगीत के ज़रिया मिले हैं, और बहुत अच्छे राइटर हमारे बीच में खड़े हैं, बैठे हैं। तो राइटर, सिंगर, स्टूडियो, ये कुल मिला के तो सुंदर पृथ्वी है, इससे आगे और क्या है। वैसे आप कई स्टूडियो में गए होंगे जी, इस स्टूडियो को देख के क्या लगा आपको? इस स्टूडियो में जाके ये देखा, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये रूह से, दिल से बनाया हुआ एक ख्वाहिश है जो पूरी हो, और बाकी तो लोग बिजनेस के लिए बनाते हैं सब लोग नहीं बनाते हैं, पर एक होता है चलो एक प्रोजेक्ट करते जिसमें कुछ इनकम हो, और ये वैसा प्रोजेक्ट मुझे दिख नहीं रहा, ये ऐसा कुछ करते जिसमें जीवन सुरीला बने। स्टूडियो की साइज वगैरह क्या है, तो क्या लगा, कुछ ठीक ठाक है सब कुछ? ओवरऑल स्टूडियो की बात करें हम तो, देखिए स्टूडियो के साइज के हिसाब से तो स्टूडियो नहीं होता है, क्योंकि बड़ा साइज का तो जगह होता है और छोटा साइज का मन में एक बाधाएं होती है कि छोटा है ये बड़ा है, और ऐसा ही होता तो हारमोनियम का जो सारेगामा पधनी सा होता इतना जगह पे है ना, और उसमें सात और भी छोटा जगह पे है, और जहाँ से निकलता है तो दिखता ही नहीं है गला, तो जगह मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है हम कर क्या रहे हैं, किस शुद्धता से कर रहे हैं, किस विचार से कर रहे हैं। वो विचार इतना बड़ा है यहाँ पे कि जगह बहुत उसमें कुछ अहमियत रखता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इस मौके पे गाना है कुछ, छोटा सा दो गाना कहना है? इस मौके पे तो गाना ही होना चाहिए और आज वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो जो शास्त्र से हम जुड़े हैं, जिससे संगीत बनता है, तो वो शास्त्र कुछ एक आध आलाप में सगमदनि सने ने मेदमात गमदनि सने सदमने दमात मरे सा। देखिए आज एक शुभ दिन है और राइटर बैठे हुए हैं, हमने भैरव गाया है, तो मैं चाहता हूँ दो चार शब्द ये कहे और हम तुरंत गाना बनाएं, ताकि आज रिकॉर्डिंग ही शुरू हो जाए। तो मैं चाहता हूँ एक लाइन आप ऐसे ही हिंदी का कुछ बोलिए, मतलब ऐसे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरस्वती जी की वंदना है, लेकिन सबसे पहले इस स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं ना, तो गणपति बप्पा का जी, वो उसका दो लाइन पहले गुनगुना दीजिए जी, क्योंकि उनका उनके आशीर्वाद से ही सब लोगों को हम लोग। ॐ गं गणपते नमो नमः, ॐ गं गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः।
अभी आप एक लाइन बताइए, ऐसे ही कॉम्पोजिशन होता है, कोई भी शब्द बताइए। माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा, गीत दो संगीत दो, इस दिन करूं यही वंदना। माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा। बहुत अच्छा, अभी दो लाइन आप कुछ बताइए। अच्छा, कुछ जो हम ऐसे ही चलते चलते गाए तो लोगों को पता भी चलेगा कि कैसे कंपोजिशन हो जाता है। हे गौरी सुत, हे विघ्नेश्वर। क्या होता है जब हम आम पब्लिक के अंदर जाते हैं, स्कूल स्टूडेंट के पास जाते हैं, तो उन्हें जो भाषा समझ में आता है हम उसका एक उद्घाटन करें, है ना? जैसे आपने गान सुना।